हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का यूनिट रेलवे इंजीनियरिंग का यूनिट टू हम पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूनिट टू का आज 2.4 रेलवे इंजीनियरिंग में जो हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक, यूनिट 2.4 में ब्रांचिंग ऑफ ट्रैक के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्या टर्नआउट किसे बोलते हैं, व्हाट इज टर्नआउट, टाइप्स ऑफ टर्नआउट। दो तरह का टर्नआउट होता है, पहला लेफ्ट हैंड टर्नआउट और दूसरा राइट हैंड टर्नआउट। कंपोनेंट क्या है इसके, पॉइंट्स एंड स्विच। वैसे तो टॉपिक है हमारा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, व्हाट इज पॉइंट्स, व्हाट इज क्रॉसिंग, सबके बारे में जानेंगे। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, टर्नआउट क्या है, रोड पर हम जब चलते हैं, रोड पर अगर कोई व्हीकल चलता है तो व्हीकल मूव इन एनी डायरेक्शन। रोड पर जो व्हीकल होता है हमारा, व्हीकल मीन्स क्या, वाहन, वाहन मीन्स गाड़ी। रोड पर जो गाड़ी चलता है हमारा, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, व्हीकल्स मूव इन एनी डायरेक्शन। बट ट्रेन के केस में क्या होता है, नॉट पॉसिबल, इट विल टू चेंज द डायरेक्शन। हमेशा जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाना चाहेगा ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो अगर हम ट्रेन को दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो हमको कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ताकि ट्रेन आसानी से अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले। तो चेंज इज मेड पॉसिबल विद द प्रोविजन ऑफ टर्नआउट। तो ट्रेन अपना डायरेक्शन को चेंज कैसे करेगा, तो उसके लिए हम टर्नआउट बनाते हैं। टर्नआउट का मतलब क्या है, टर्न कराना, ट्रेन को कहीं से टर्न कराना, नाम पड़ा टर्न आउट। कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। टर्न आउट, ट्रेन को हम टर्न कराने के लिए किसका यूज करेंगे, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का। तो आगे देखेंगे व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट किसे बोलते हैं, क्रॉसिंग किसे बोलते हैं। इंफॉर्मेशन सेंट टू लोको पायलट यूजिंग सिग्नल। तो लोको पायलट के पास इंफॉर्मेशन जाता है सिग्नल के थ्रू। तो लोको पायलट जो हमारा ड्राइवर होता है, उसको कहाँ पे चेंज करना है, उसके पास सिग्नल के थ्रू उसके पास क्या जाता है, इंफॉर्मेशन चला जाता है, संदेश जाता है। टर्नआउट का डेफिनेशन क्या है, टर्नआउट किसे कहते हैं, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बाय मैनिपुलेशन ऑफ विच द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक मे बी डाइवर्टेड टू अनदर ट्रैक और ब्रांच लाइन और टू साइडिंग इज नोन एज टर्नआउट। तो टर्नआउट का सिंपल डेफिनेशन है कि पॉइंट्स और क्रॉसिंग का हम इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से उसको मैनिपुलेशन करते हैं कि जो हमारा ट्रेन है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट हो जाए। ये ट्रैक है हमारा, इस ट्रैक से ट्रेन को जाना है दूसरे ट्रैक पे। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के हेल्प से ट्रेन को हम डाइवर्ट कराते हैं। टू ट्रैक्स इधर मर्ज और डाइवर्ज। दो ट्रैक आपस में क्या हो सकते हैं, या तो मिल सकते हैं, आपस में मर्ज कर सकते हैं, या डाइवर्ज कर सकते हैं। तो अभी मान लो ये हमारा ट्रैक पहले से बना हुआ है, इस ट्रैक में कोई दूसरा ट्रैक आके मिल गया, ये वाला ट्रैक। तो ये वाला ट्रैक क्या कर रहा है, इसमें जाके मर्ज कर रहा है। और दूसरा केस हमारा हो सकता है कि ट्रैक है, यहाँ से कोई ट्रैक निकल रहा है, तो ऐसे ट्रैक को हम बोलते हैं डाइवर्ज ट्रैक। या तो ट्रैक के अंदर जाके मर्ज कर सकता है, या ट्रैक एक मेन ट्रैक से दूसरे ट्रैक, ब्रांच ट्रैक अगर आपको बनाना है तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज कर सकता है। तो मर्ज का मतलब मिलना, डाइवर्ज का मतलब वहां से निकलना। टू ट्रैक्स पैरेलल टू ईच अदर बट आर स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस कनेक्शन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि ट्रेन अपना डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो ट्रेन को डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का यूज। The combination of lead rail with curved rail helps in diverting rolling stock from one track to another track. जो lead rail होता है हमारा, lead rail और curved rail का जो combination होता है, वो क्या करता है, divert करता है rolling stock को। Rolling stock जो हमारा होता है वो main stock होता है, जिसके ऊपर train पहले से move कर रहा होता है। रोलिंग स्टॉक से ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाने के लिए लीड रेल और कर्व्ड रेल का हम लोग यूज करते हैं। रेल्स डिपेंडिंग ऑन कर्वेचर।
रेल के कर्वेचर के डिपेंड, रेल किस पे डिपेंड करता है, रेल का जो हमारा शेप होगा वो कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। लीड रेल्स आर स्ट्रेट, लीड रेल जो होता है, लीड रेल एक तरह से रेल ही है जिसका जो क्या होता है स्ट्रेट होता होता है, और कर्व्ड रेल जो होता है उसमें कर्वेचर होता है। टर्न आउट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन यार्ड्स एंड साइडिंग्स, टर्न आउट को हम यार्ड में भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ट्रेन को, यार्ड किसको बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेन को रुकता है उस वैसे पोर्शन को क्या बोलते हैं यार्ड। सम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट, टर्न आउट का कुछ प्रॉब्लम है, टर्न आउट बनाने में टर्न आउट का क्या प्रॉब्लम है वो देखो। वीकेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रैक ड्यू टू ज्वाइंट्स एंड फास्टनिंग्स, सेफ्टी बिकम्स मेन कंसर्न। तो जहाँ पे भी हम टर्न आउट बना रहे हैं वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। तो जो ज्वाइंट होता है वो किसी भी ट्रैक का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, तो टर्न आउट का तो पहला डिसएडवांटेज ये निकल के आ गया कि ज्वाइंट है तो वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न, मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट का चांस है, तो बहुत ही हमको प्रिकॉशन के साथ टर्न आउट को डिजाइन करना पड़ेगा। रिटार्ड्स द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, तो जहाँ पे टर्निंग शुरू होता है ट्रेन का तो वहाँ पे ट्रेन को अपना स्पीड कम करना पड़ता है, तो स्पीड जब कम करेगा ट्रेन तो उसको क्या बोलेंगे, अपना मूवमेंट को रिटार्ड कर रहा है, मूवमेंट को कम कर रहा है। टाइप्स ऑफ टर्न आउट, मूवमेंट के आधार पे टर्न आउट दो तरह का है, लेफ्ट हैंड टर्न आउट और राइट हैंड टर्न आउट। तो देखो यहाँ पे ये हमारा मेन ट्रैक था, ये दोनों मेन ट्रैक था। इस मेन ट्रैक से क्या हो रहा है, ट्रेन अगर ट्रेन का चलने का डायरेक्शन फेसिंग डायरेक्शन ये है तो इधर से ट्रेन जाके इस ट्रैक पे जाएगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है राइट हैंड टर्न आउट हमको मिला। कैसा टर्न आउट, राइट हैंड टर्न आउट, और इसमें वेरियस कंपोनेंट है। ये टर्न आउट का सिंपल डायग्राम है कि टर्न आउट पर जो भी टर्न आउट पे कौन कौन सा किस किस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, तो टर्न आउट का जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट है उसको देख लो। यहाँ पे ये फर्स्ट पोर्शन है, इस फर्स्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन, ट्रेन का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला फर्स्ट, तो फेसिंग डायरेक्शन ट्रेन मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे डायरेक्शन को ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हो गया फेसिंग डायरेक्शन, और इधर हो गया हमारा ट्रेलिंग डायरेक्शन। और ये टर्न आउट पे जो मेन रेल होता है उसको बोलते हैं स्टॉक रेल, उस रेल को क्या बोलते हैं स्टॉक रेल। तो ये ओवरऑल लेंथ है स्टॉक रेल का, तो ओवरऑल लेंथ देखो ये हो गया स्टॉक रेल ए से बी, ए से बी में जो रेल हमारा प्रोवाइडेड है उसको क्या बोलेंगे स्टॉक रेल बोलेंगे। ये हमारा इनर कर्व है, ये आउटर कर्व है, ट्रेन इधर से इस तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट पर एक डिवाइस लगा रहता है, ऐसा एक डिवाइस लगा रहता है, ये मोटर के हेल्प से चलता है। स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन कैबिन में बैठकर इसको टर्निंग ट्रेन को अगर इस पटरी से मेन पटरी से अगर ब्रांच में जाना है तो यहाँ पे एक पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं इसको, पॉइंटिंग डिवाइस लगा रहता है, ये कनेक्टेड रहता है, तो ये मूवेबल है। टंग रेल जो हमारा है ये हमारा रोल स्टॉक रेल है, स्टॉक रेल के जस्ट पैरेलल में जो रेल लगा हुआ है वो क्या है टंग रेल। तो टंग रेल अगर इधर करना होगा तो टंग रेल का डायरेक्शन हम इधर कर देंगे, ये दोनों टंग रेल इधर हो जाएगा तो ट्रेन अपना डायरेक्शन आसानी से ले लेगा। और ये वाला जो आपको पटरी दिख रहा है विंग की तरह है तो इसको बोलते हैं विंग रेल, क्या बोलते हैं विंग रेल। और ये वाला जो पटरी है इसको बोलते हैं चेक रेल, चेक रेल, विंग रेल हो गया चेक रेल हो गया। और ये यहाँ पे जो छोटा सा पटरी दिख रहा है ये आपको टंग रेल है, ये टंग रेल जो होता है मूवेबल होता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर जाता है किसके हेल्प से, पॉइंटिंग के हेल्प से। तो पॉइंटिंग एक डिवाइस है जिसके हेल्प से ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो टर्न आउट का वेरियस कंपोनेंट है कौन कौन सा है, पेयर ऑफ टंग रेल, दो टंग रेल होता है आपस में, दो एक दोनों रोलिंग स्टॉक के बगल में जो पैरेलल में होता है छोटा सा जो मूवेबल होता है उसको टंग रेल बोलते हैं, पेयर ऑफ टंग रेल। पेयर ऑफ स्टॉक रेल, जो मेन रेल है हमारा स्टॉक रेल है टर्निंग पे, जो मेन रेल को क्या बोलते हैं स्टॉक रेल। तो दो स्टॉक रेल भी होता है, टू चेक रेल अभी दिखाए थे, दो चेक रेल होता है, फोर लीड रेल होता है जो लीड करता है। अब वी क्रॉसिंग आगे देखेंगे व्हाट इज वी क्रॉसिंग। साइड चेयर लगा होता है, स्ट्रेचर बार होता है, यहाँ पे देखो आगे का फिगर में दिखाएंगे स्ट्रेचर बार किसको बोलते हैं, स्ट्रेचर बार
स्ट्रेचर बार के हेल्प से ही हमारा जो कौन सा बोलते हैं टंग रेल मूव करता है। अ पेयर ऑफ हिल ब्लॉक स्विच टाइप प्लेट होता है, पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, लॉकिंग सिस्टम होता है, इंक्लूड्स लॉकिंग बॉक्स, लॉक बार, प्लंजर, ये सब पॉइंट्स जहाँ पे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक पे होता है वहाँ पे ये सारा वेरियस कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट को क्या बोलते हैं आगे का फिगर में आपको दिख जाएगा। तो टंग रेल क्या होता है, इट इज अ टेपर्ड रेल। टंग रेल जो होता है टेपर्ड रेल होता है, मतलब टंग रेल टेपर्ड रेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर चेंज होता रहता है इस तरह से। तो टंग रेल जो होता है हमारा टेपर्ड रेल होता है, विच इज मूवेबल रेल, ये मूव करता है किसके हेल्प से, पॉइंटिंग के हेल्प से, मेड ऑफ हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील टू विथस्टैंड वियर, यहाँ पे बियरिंग ज्यादा होता है इसलिए इसको हाई कार्बन या मैग्नीज स्टील से बनाते हैं। एट इट्स थिकर एंड इट इज अटैच टू अ रनिंग रेल, जो इसका थिकर एंड क्या बोलता है, इसका पोर्शन क्या होता है टेपर्ड होता है, तो इसका जो थिकर पोर्शन होगा, जो थिकर टेपर्ड, टेपर्ड कहने का मतलब क्या कि इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ, तो ये वाला हमारा थिकर पोर्शन हो गया, ये थिकर पोर्शन है, तो इसका जो थिकर पोर्शन है रनिंग रेल से कनेक्टेड रहता है। टंग रेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच रेल, टंग रेल का दूसरा नाम क्या है, स्विच रेल, क्योंकि ये ट्रेन के मूवमेंट को ये क्या करता है, स्विच करता है, एक पटरी से दूसरे पटरी में ले जाने में हेल्प करता है। दूसरा स्टॉक रेल, इट इज द रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल इज ऑपरेट्स, तो टंग रेल किसके अगेंस्ट में अटैच रहता है, रनिंग रेल, रनिंग रेल को ही पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे दूसरा नाम देते हैं हम स्टॉक रेल। तो स्टॉक रेल जो है हमारा मेन रेल है जिसके ऊपर ट्रेन मूव करता है, और टंग रेल का काम है कि रेल के डायरेक्शन को चेंज करना, जो कि तो स्विच एंगल, एंगल बिटवीन द गेज फेसेस ऑफ अ स्टॉक रेल एंड टंग रेल एट थियोरेटिकल टॉ स्विच। तो जो स्टॉक रेल, स्टॉक रेल और टंग रेल का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल, स्विच एंगल, इतने एंगल से ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, थ्रो ऑफ स्विच, डिस्टेंस विच द टंग रेल मूव्स लेटरली एट द टो इज कॉल्ड स्विच, थ्रो ऑफ स्विच। टंग रेल इस तरह से रहता है, टंग रेल को जब हम मूव कराते हैं तो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, तो लेटरली जो ये डायरेक्शन चेंज करता है उसी को बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। फिगर में देखो, प्रैक्टिकल फिगर आपको दिखेगा, ये देखो ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का मेन जो है प्रैक्टिकल फिगर है। तो यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग हो रहा है, ये इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग नोज, या और ये वाला जो नोज दिख रहा है ये क्या है, नोज एक तरह से, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग नोज और फ्रॉग ऑफ ए टर्नाउ। तो यहाँ पे मेन क्रॉसिंग है हमारा, तो और इस यहाँ वाले पोर्शन को नोज बोलते हैं, क्रॉसिंग नोज, ये इधर बैलास्ट है हमारा, और ये देखो जो मेन रेल है, मेन रेल या स्टॉक रेल, स्टॉक रेल के जो पैरेलल में जो लगा हुआ है वो हमारा चेक रेल, ये है हमारा चेक रेल। उसके बाद आता है ये स्टॉक रेल, जो मेन पटरी हमारा होता है वो हमारा होता है स्टॉक रेल, जिसपे और इधर से अगर ट्रेन इस क्रॉसिंग पे आके अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, यहाँ पे अगर ट्रेन मूव कर रहा है इस पटरी पे तो ये हमारा हो गया मेन रेल, और इस पटरी से अगर लेफ्ट हैंड वाले में जाना पड़ेगा तो यहाँ से जो चेक रेल है इसको हेल्प करेगा इधर जाने में। ये दोनों है स्विच रेल, ये दोनों जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्विच रेल, ये कंक्रीट का बैलास्ट, कंक्रीट बैलास्ट है हमारा, कंक्रीट बियरर्स, कंक्रीट बियरर्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं, तो स्लीपर को ही कंक्रीट बियरर नाम दिया। ये स्टॉक रेल, दोनों पैरेलल में जो रेल होता है वो स्टॉक रेल होता है। अब क्रॉसिंग पे जाते यहाँ सब विंग रेल, विंग रेल कौन सा है, विंग रेल देखो यहाँ पे विंग की तरह जो इसका इंड इंड होगा वो विंग की तरह रहेगा, तो इसको बोलते हैं विंग रेल। तो ये वाला, ये जो रेल गया यहाँ पे, ये जो रेल है हमारा ये विंग रेल है, ये वाला रेल को हम विंग रेल बोलते हैं या स्विच रेल। तो ये वाला जो रेल है हमारा यहाँ पे, ये दोनों, ये है विंग रेल, यहाँ पर ये विंग रेल है।
इस फिगर में देखो, इस फिगर में ये जो हमारा यहाँ पे तुमको एक रॉड दिख रहा होगा, स्टील का रॉड, इस रॉड को हम बोलते हैं स्ट्रेचर रॉड। ये क्या है? स्ट्रेचर रॉड। और ये वाला जो रेल दिख रहा है, ये है हमारा कौन सा? टंग रेल। ये क्या है? टंग रेल, TONGU, जीभ के आकार का इसका रेल है। तो जीभ का आकार कैसा होता है? टेपर्ड होता है। देखो यहाँ पे डायमीटर कम है और धीरे धीरे जाके इसका डायमीटर बढ़ रहा है। तो टंग रेल जीभ के आकार का होता है, टंग रेल। और टंग रेल मूवेबल होता है। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, यहाँ पे एक बक्सा साइड में बना हुआ रहता है बक्सा, इसके अंदर मोटर होता है। और ये टंग रेल मूवेबल होता है। जब इसको हम इधर खींच देंगे स्ट्रेचर बार को, तो टंग रेल इस तरफ मूव डायरेक्शन दे देगा। और जब इसको हम स्ट्रेचर बार को राइट हैंड में देंगे, तो टंग रेल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस तरफ। तो ट्रेन आसानी से आगे जाके इधर टर्न ले लेगा, अगर लेफ्ट हैंड दिए तो इधर टर्न ले लेगा जाके, और राइट हैंड, और इसको अगर कुछ नहीं मूव किए तो ट्रेन जो है हमारा सीधे निकल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो आपको रेल दिख रहा है, ये टंग रेल है। ये हमारा स्ट्रेचर बार, जो स्ट्रेचर बार, फर्स्ट स्ट्रेचर बार, सेकेंड स्ट्रेचर बार, थर्ड स्ट्रेचर बार, तीन स्ट्रेचर बार लगा रहता है यहाँ पे। तो ये टर्न आउट का फिगर है, प्रैक्टिकल फिगर, जहाँ पे ट्रेन अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। तो सब का डेफिनेशन हमको जानना है, धीरे धीरे करके देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है। तो इस ये वाला फिगर, ये पहला फिगर हमारा हो गया, और ये दूसरा फिगर। ये दोनों फिगर को अगर आप समझ गए तो आपको पूरा टर्निंग समझ में आ जाएगा। ये है क्रॉसिंग का डिटेल। तो अगला हमारा जो पॉइंट आता है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट एंड क्रॉसिंग आर पेक्यूलियर अरेंजमेंट। पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या है? पेक्यूलियर अरेंजमेंट है, यूज्ड इन परमानेंट वे या रेलवे ट्रैक टू गाइड द ट्रेन फॉर डायरेक्शनल चेंज। पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक अरेंजमेंट होता है ट्रेन के अंदर, रेलवे ट्रैक के अंदर, जो कि ट्रेन के मूवमेंट को क्या करता है? गाइड करता है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। पॉइंट क्रॉसिंग या टर्न आउट, क्रॉस ओवर एंड सच रिलेटेड टर्म्स, कंट्रावेंसेस और अरेंजमेंट बाय विच डिफरेंट रूट, रूट मीन्स रास्ता, इधर पैरेलल और डाइवर्जिंग आर अफोर्ड द मीन फॉर ट्रेन टू मूव फ्रॉम वन रूट टू अनदर। पॉइंट हो गया, क्रॉसिंग हो गया, क्रॉसओवर हो गया, ये सब आपस में रिलेटेड टर्म, ये सब आपस में रिलेटेड टर्म है, जो कि आपस में मिलकर ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। द पॉइंट्स और स्विचेज एड इन डाइवर्टिंग द व्हीकल्स एंड क्रॉसिंग प्रोवाइड गैप्स इन द रेल सो एज टू हेल्प द फ्लैंज व्हील टू रोल ओवर देम। जो पॉइंट और क्रॉस, जो पॉइंट या स्विचेज, पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं? स्विच, वो ऐड हेल्प करता है डाइवर्ट करने में व्हीकल को, यानी डाइवर्ट अब उसके रास्ता को चेंज करने में। एंड क्रॉसिंग प्रोवाइड गैप्स इन द रेल सो एज टू हेल्प द, क्रॉसिंग के जगह पे थोड़ा सा गैप रहता है दो रेल के, ताकि वहां पे फ्लैंज जो है उस पे आसानी से मूव कर जाए, रेल जो व्हील है फ्लैंज का वो आसानी से अपना डायरेक्शन को चेंज करे। तो ये देखो, ये पूरा टर्न आउट का फिगर दिया हुआ है, ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है ये टर्न आउट का फिगर है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग असेंबली कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट, नेमली पॉइंट, लीड एंड क्रॉसिंग एलिमेंट। तो ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो लीड है, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे पॉइंट होता है। पॉइंट एक डिवाइस है, सिंपल सा डिवाइस लगा रहता है डायरेक्शन, ये ऑटोमेटिकली सिग्नल के थ्रू काम करता है, स्टेशन मास्टर पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करते हैं, अपने स्टेशन के अंदर बैठकर स्टेशन मास्टर इस पॉइंट के सिग्नल को, ट्रेन के रूट को चेंज करने में हेल्प करते हैं। पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स का डेफिनेशन देखो, अ पेयर ऑफ टंग रेल with their stock rails are termed as point. So what is point? Tongue rail एक pair में रहता है और stock rail भी pair में होता है। तो दोनों को आपस में मिलाकर जो हमारा जोड़ा बनता है उसी को बोलते हैं point. Crossing क्या है? Crossing is a device introduced at the junction where two rails cross to permit the wheel flange of railway vehicles to pass from one track to another track. So
क्रॉसिंग दिखाए थे, इस पोर्शन को क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग जहां से ट्रेन अपना डायरेक्शन को चेंज करे, तो वैसे पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। टर्न आउट डिनोट्स पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विथ लेट ट्रेन, तो टर्न आउट के अंदर सारा ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग सब किसका कंपोनेंट है, टर्न आउट का ही कंपोनेंट है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। टंग रेल, टंग रेल का डेफिनेशन पहले भी बता चुके हैं, टेपर्ड मूवेबल रेल होता है जो कि कनेक्टेड होता है किससे, एट इट्स थिकेस्ट एंड टू रनिंग रेल, जो इसका थिक एंड होता है वो रनिंग रेल से कनेक्टेड होता है। स्टॉक रेल, इट इज द रनिंग रेल, स्टॉक रनिंग रेल है अगेंस्ट विच ए ट्रंक रेल फंक्शन, तो स्टॉक रेल कुछ नहीं है रनिंग रेल। तो अगला फिगर में ये दिखाए तो थे, ये वाला जो रेल है हमारा स्टॉक रेल है, ये हमारा टंग रेल है, तो ये सब फिगर में बता दिए हैं, टंग रेल किसको बोलते हैं, स्टॉक रेल किसको बोलते हैं। हिल ऑफ स्विच, दिस स्विच क्या है, पहले तो स्विच देखो उसके बाद हिल ऑफ स्विच, अ पेयर ऑफ टंग विथ अ स्टॉक रेल विथ नेसेसरी कनेक्शन एंड फिटिंग, जो टंग रेल जिसके हेल्प से टंग रेल और स्टॉक रेल आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो आपस में कनेक्ट करने के लिए फिटिंग करना पड़ेगा और कनेक्शन देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं। हिल ऑफ स्विच इज एन इमेजिनरी पॉइंट, हिल ऑफ स्विच क्या है, हिल ऑफ स्विच इज एन इमेजिनरी पॉइंट ऑन द गेज लाइन मिडवे बिटवीन द एंड रेल, लीड रेल एंड टंग रेल इन केस ऑफ लूज हिल स्विचेज, इन केस ऑफ फिक्स्ड हिल स्विचेज इट इज पॉइंट ऑन द गेज लाइन ऑफ टंग रेल अपोजिट टू द सेंटर लाइन, तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। दो केस है इसका, इमेजिनरी पॉइंट को बोलते हैं हिल ऑफ स्विच, तो पहला तो होता है, पहला किसके किसके अंदर, फिक्स्ड हिल स्विच, और दूसरा है लूज हिल स्विच। ये लीड, लीड का पोर्शन तो फिगर में सही दिखेगा लीड। अब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का नेसेसरी क्यों, जरूरत क्यों पड़ा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का क्या जरूरत है, तो वही पहले वाला ही चीज है, बिकॉज ऑफ द व्हील्स ऑफ रेलवे व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद इनसाइड फ्लैंज, देयरफॉर दे रिक्वायर अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग इन ऑर्डर टू नेविगेट देयर वे इन द रेल्स, तो रेल का जो व्हील होता है, रेल का जो व्हील होता है इस तरह का कुछ होता है रेल का व्हील, तो रेल का जो फ्लैंज पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो ये हमारा व्हील है, ये व्हील है और ये फ्लैंज पोर्शन है, ये वाला क्या है, इनर पोर्शन है व्हील का, तो रेल का जो व्हील का जो इनर पोर्शन है उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए फ्लैंज के हेल्प से डायरेक्शन रेल चेंज करेगा, तो वो जो अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट देते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ताकि ट्रेन आसानी से अपना पाथ को चेंज कर सके। तो पहला तो जरूरत इसलिए पड़ा कि ट्रेन का जो व्हील होता है फ्लैंज पोर्शन में होता है, जो फ्लैंज अंदर की तरफ होता है, तो उसको गाइड करने के लिए जो हम अरेंजमेंट देते हैं तो वो है हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग का पहला जरूरत। उसके बाद क्या है, गिविंग प्रेसिडेंस टू फास्टर ट्रेन्स, गिविंग प्रेसिडेंस टू फास्टर ट्रेन्स इन द सेम डायरेक्शन, गिविंग पैसेज टू अ ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और फॉर कनेक्टिंग प्लेसेस नॉट ऑन द डायरेक्ट लाइन ऑफ ट्रैक, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का दूसरा जो हमको फायदा मिला कि फास्टर ट्रेन है उसको सेम डायरेक्शन में मूव कराना है, और कोई जो ट्रेन है उस और जो अपोजिट ट्रेन है, कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग को लगाते हैं, उसके डायरेक्शन मतलब एक ट्रेन इधर से जा रहा है दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तो दोनों आपस में टकरा भी तो सकता है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग दोनों को रास्ता प्रोवाइड करता है कि एक इधर से निकल जाए दूसरा इधर से निकल जाए। टू स्विच फ्रॉम वन ट्रैक टू अदर ट्रैक टू चेंज द डायरेक्शन, तीसरा काम है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का कि ट्रेन के डायरेक्शन को एक पटरी से दूसरे पटरी पर ले जाने के लिए, डाइवर्ट और कन्वर्ट द ट्रैक, दो ट्रैक को आपस में मिलाने के लिए या दो ट्रैक को आपस से हटाने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए, मेन पटरी से एक पटरी ब्रांच निकालना है या मेन पटरी के अंदर ब्रांच को मर्ज करना है, या तो
डाइवर्ज कर सकते हो, मेन पटरी से एक पटरी निकाल सकते हो या मेन पटरी के अंदर दूसरा पटरी आप मिक्स कर सकते हो। तो या चौथा जो काम है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, कन्वर्जिंग का और डाइवर्जिंग का, देख लो एक बार कन्वर्ज क्या होता है। ये हमारा मेन मेन लाइन था, मेन लाइन से अगर कोई पटरी बाहर जाता है, मेन लाइन से कोई पटरी अगर बाहर जाता है, ये इधर पूरा मेन लाइन है, मेन लाइन से अगर कोई पटरी बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज कर रहा है। और इस मेन लाइन के अंदर अगर कोई पटरी इधर से आ रहा है और इसमें जाके मेन लाइन में जाके मिल जा रहा है, तो मेन लाइन में अगर आके मिल रहा है कोई पटरी तो इसको बोलते हैं मर्जिंग, क्या बोलते हैं मर्जिंग। तो या तो दो पटरी मर्ज कर सकता है या फिर किसी मेन लाइन से पटरी डाइवर्ज कर सकता है। क्रॉसिंग तो पहले ही बता चुके हैं, क्रॉसिंग इज अ डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट वेयर टू गेज फेसेस क्रॉस ईच अदर टू परमिट द फ्लैंज ऑफ रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। तो वही चीज है, क्रॉसिंग एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि एक ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करता है। गैप इज प्रोवाइडेड फ्रॉम थ्रो टू द नोज ऑफ द क्रॉसिंग। तो जो क्रॉसिंग का जो नोज होता है, नोज और नोज के पास थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करते हैं। आगे देखेंगे जो हम डायमंड क्रॉसिंग है, वी क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा। चेक रेल्स, चेक रेल क्या काम करता है, एश्योर्स द करेक्ट मूवमेंट एंड गाइड्स द व्हील प्रॉपरली। तो चेक रेल का काम है कि मूवमेंट को करेक्ट करे, सही करे और ट्रेन को, ट्रेन का जो व्हील है उसको प्रॉपरली गाइड करे, प्रॉपरली उसको रास्ता दिखाए। टाइप ऑफ क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग पहला है, पहला है हमारा एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग को हम क्या बोलते हैं, वी क्रॉसिंग बोलते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग, दूसरा क्या है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल को डायमंड क्रॉसिंग भी बोल सकते हो। तीसरा है स्क्वायर क्रॉसिंग। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, एक्यूट का मतलब क्या है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, देखो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग को क्या बोलते हो, वी क्रॉसिंग। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है ये किस तरह का शेप, वी शेप है। और यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोजिंग बोलते हैं। नोज है हमारा क्रॉस, ये पूरा पोर्शन क्रॉसिंग है, इस पूरे पोर्शन को क्रॉसिंग बोलते हैं। और ये क्रॉसिंग का शेप आपको कैसा दिख रहा है, वी क्रॉसिंग। और इस वाले पोर्शन को हम नोज बोलते हैं, नोज ऑफ क्रॉसिंग, क्या बोलते हैं नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग का क्या है, नाक है। तो वी क्रॉसिंग यही है, यहाँ पे एंगल जो बनता है लेस देन 90 एंगल बनता है। ये कितने का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है 90 से तो कम ही है। अगर इस तरह से आप एंगल मेजर करो तो ये क्या है, लेस देन 90 है। तो इन दिस टाइप इंटरसेक्शन ऑफ द टू गेज फेसेस फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल। दो गेज फेसेस आपस में एक्यूट एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन ए राइट रेल क्रॉसेस अ लेफ्ट रेल इट मेक्स एन एक्यूट क्रॉसिंग। जब एक राइट रेल लेफ्ट रेल को क्रॉस करता है तो ये कैसा बनाता है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग बनाता है, जो एंगल बनता है लेस देन। दज अनलाइक रेल क्रॉसिंग फ्रॉम फॉर्म एंड एक्यूट क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूस और डायमंड क्रॉसिंग इन विच द टू गेज फेसेस मीट एट एन ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे जो दो गेज फेसेस है आपस में ऑब्ट्यूस एंगल पर मिलते हैं, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो जो यहाँ पे दो ट्रैक ऑफ गेज फेस जो आपस में मिलता है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग बोलेंगे। व्हेन अ राइट और लेफ्ट रेल क्रॉसेस सिमिलर रेल इट मेक्स एन ऑब्ट्यूस क्रॉसिंग। स्क्वायर क्रॉसिंग इन विच टू ट्रैक्स क्रॉस एट राइट एंगल। जब दो स्क्वायर क्रॉसिंग, जब दो ट्रैक आपस में 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा, इस तरह से जब दो ट्रैक आपस में 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्रॉसिंग बोलेंगे। तो देखो सब क्रॉसिंग का फिगर देख लो, डायमंड क्रॉसिंग क्या है, ये आप ये जो शेप दिख रहा है ये शेप कैसा है, डायमंड शेप है, इसलिए इसका नाम दे दिया डायमंड क्रॉसिंग। व्हेन टू ट्रैक्स क्रॉसेस ईच अदर एट लेस देन 90, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितने का बन रहा है, एक ट्रैक ये है एक ट्रैक ये है, और ये दोनों ट्रैक आपस में कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, लेस देन 90 डिग्री का। तो ये कौन सा एंगल बना, डायमंड शेप का, ये जो पूरा शेप बना ये पूरा शेप बना डायमंड का, तो डायमंड क्रॉसिंग बोल दिए। इस क्रॉसिंग का नाम क्या है, वी क्रॉसिंग, वी शेप दिख रहा है तो वी क्रॉसिंग। तो आज
आज का जो लेक्चर है उसके लिए इसका प्रैक्टिकल जो वीडियो है उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेजा गया था। आप जब उस व्हाट्सएप पे वीडियो को देखिएगा कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग कैसे काम करता है, तो आपको ये वाला लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का आप वो जो व्हाट्सएप में आपको लिंक भेजा गया था आज, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन। अगले क्लास में हम यूनिट 2.5 पढ़ेंगे रेलवे इंजीनियरिंग का। यूनिट 2.5 और 2.6 दो यूनिट बचा हुआ है, दो लेक्चर लगेगा तो आपका रेलवे खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।